ना ले ले। अरे तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा, और क्या क्या ले लें। हाँ ले लेते हैं, चलो इधर देख लें क्या। फोन। जुबी, जुबी तुम? वो बशर भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। शुक्र है मालिक का। बेटा हुरमत सलाम करो फूफो को। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। भाई मुसरत, ये मेरी बहन फूफीजाद बहन जुबैदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। 20 साल पहले तुम लड़ झगड़ कर अपने मैके चली जाया करती थी ना, तब इसने इस बहन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बस भी करें आप भी शर्मिंदगी का कोई मौका जाने नहीं देते। अरे छोड़े ना इस बात को, जैद से मिले, याद है आपके सामने कुछ महीनों का था। वालेकुम अस्सलाम, बरखुरदार बड़े हो गए। बिल्कुल एहसन भाई की शबीह है इसके अंदर। एहसन का पता लगा मुझे, मैं स्कर्दू में पोस्टिंग पे था, नहीं आ सकता। बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे। यही जिंदगी है मुबशर भाई, आप लोग कभी आए ना हमारे घर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम वही पुराने वाले मोहल्ले में दोबारा शिफ्ट हो गए। अच्छा हाँ भाई बिल्कुल जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। भाई हुरमत तुम्हें पता है तुम्हारी फूफो बहुत अच्छी खीर बनाती है। अच्छा खीर तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा फिर जरूर आओ, मैं इंतजार करूंगी बेटा। नहीं हम जरूर चक्कर लाएंगे, फिर मैं कांटेक्ट करूंगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप फोन के बगैर भी आ जाएं, कोई मसला नहीं। ऑलराइट अल्लाह। अच्छा लगता है जब अपने मिलते हैं कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? खैरियत? देर कर दिया। वो एहसन को कोई मसला था, पूरी रात रोता रहा। मेरे पास ले आती? आप वो दवा खा के सोती हैं तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। उसके पेट में दर्द हो रहा होगा ना, मेरे पास एक बहुत अच्छा तेल है पेट के दर्द के लिए, मैं उसके पेट पर लगाओगी ना तो दर्द नहीं होगा। मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? नहीं बस सुबह से सर में दर्द, चक्कर से आ रहा है। बताया कि नहीं आपने मुझे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। आप बैठे। कितनी प्यारी बच्ची है ना मुबशर भाई की, है ना जैद? मुझे क्या पता। अच्छा जी, बाजार में तो बड़े गौर से देख रहे थे उसे, और टैक्सी में भी चुप चुप थे, अब पूछा तो मुझे क्या पता। कहना क्या चाह रही है? कहना ये चाह रही हूँ भाई, अगर पसंद है लड़की। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अब मैं क्या बात कर रही है, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, रिश्ता नहीं। ठीक है कोई और पसंद है तो नाम बता सकते हो तुम। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद, जो आपकी पसंद है वही मेरी। अच्छा मुझे तो हुरमत बहुत पसंद आई है। क्या हुआ? वीजा रिजेक्ट हो गया। क्यों, कागजात तो पूरे थे ना? जी। फिर क्यों? मुझे नहीं पता, आप प्लीज ऐसे होते मुझे। अच्छा परेशान तो मत होना। कैसे परेशान ना हुए, बात मसले ही नहीं खत्म हो रहे। कभी बैंक स्टेटमेंट का मसला, कभी कोई मसला, और अब वीजा रिजेक्ट हो गए। मैं चाहती हूँ अपने बच्चे की खुशी एक साथ देखें। किड होने लगी है मुझे अब इस फोन से और वीडियो कॉल से। अच्छा ऐसे तो मत कहो ना। बात कुछ करो प्लीज, मेरा वीजा लगवाओ, बहुत तंग आ गई हूँ अब। अच्छा एमन फिक्र मत करो, तुम दोबारा से वीजा अप्लाई करो, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना साथ, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें वीजा मिल जाए। अगर
वैसे भी कुछ दिनों में मेरी छुट्टी ड्यू होने वाली है, तो फिर मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा मुझे ये बताओ आंटी और जैद कैसे हैं? चले आंटी, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से और 3 बजे की अपॉइंटमेंट, आप तैयार हो जाए, हम चल रहे हैं। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आंटी, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। कल भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आपको चक्कर आ गए थे। चेकअप बहुत ज़रूरी है आंटी, और मुझे इबाद ने भी कहा है कि आज आपको मैं डॉक्टर शहबाज के पास लेकर जाऊँ, तो प्लीज़ आप रेडी हो जाएं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तैयार होकर आती हूँ। तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो मेरे। आप तैयार हो जाएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। नासरा जी, वो मैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। एहसन कमरे में सो रहा है, उसका ध्यान रखना। जी अच्छा ठीक है, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा इनका ब्लड प्रेशर हाई है, मैं मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ और कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये आप करवा लिएगा। टेस्ट? कोई फिक्र की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, इस उम्र में 6 माह के बाद टेस्ट करवाते रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आंटी तबीयत कुछ बेहतर है अब? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए अगर आपको कमजोरी फील हो रही है तो मैं खुद चली जाती हूँ ग्रोसरी करने। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, दिल बहल जाएगा मेरा। चलो बहुत गर्मी है तो आज ये सामान ना किचन में रख देना। बाजी बाजी, एहसन बाबा बिस्तर से गिर गए, बेहोश हो गए हैं। क्या? क्या कैसे? तुम कहाँ थी? साहब एहसन की तबीयत कैसी है? आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका बच्चा ठीक है, बहुत मामूली सी चोट लगी है। डॉक्टर साहब वो तो बहुत रो रहा था। देखें बच्चा छोटा है और अचानक गिरने की वजह से शॉक लगा है, जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा था। ठीक है, मैं मिल सकती हूँ? जी जी आप बिल्कुल उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या हो गया? चलो चलो शाम। ये लीजिए, ये इनका प्रिस्क्रिप्शन है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट मैं आपको डॉक्टर से पूछकर अभी बताती हूँ। जी शुक्रिया। एक बेबी एक जी आंटी। नहीं आंटी अब बस मामूली सी चोट आई है, वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। नहीं आंटी जैद इस वक्त ट्यूशन होता है, मैं उसे नहीं बुला सकती और वैसे भी मामा को बता देगा और वो परेशान होंगी। नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसको यहाँ होना चाहिए था वो तो है नहीं, मैं सब अकेले हैंडल कर लूंगी और करती रहूंगी। I'm sorry आंटी, असल में मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए आप पे गुस्सा हो गई, मैं बस घर आ रही हूँ। हेमन बेटा अल्लाह इतनी बड़ी पट्टी, क्या डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट है। मामूली सी चोट? अच्छा देखो तुम आराम करो, परेशान मत हो और इबाद को फोन कर दो, बार बार उसको फोन आ रहा है। कर दूंगी फोन, बैटरी डेड है मेरी। अच्छा मैं
वो एहसन को कोई मसला था, पूरी रात रोता रहा, पीता चेक हो गया। कल भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आपको चक्कर आ गए थे। चेकअप बहुत जरूरी है आंटी, और मुझे इबाद ने भी कहा है कि आज आपको मैं डॉक्टर शहबाज के पास लेकर जाऊं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जिसको यहां होना चाहिए था वो तो है नहीं। मैं सब अकेले यहां के कर लूंगी और करती रहूंगी। हेलो एमन, एहसन कैसा है? चोट कैसे लगी? जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? बेहतर है। कैसे गिर गया यार? ख्याल रखना चाहिए था ना। कौन ख्याल रख रहा था अब तक? मैं ही रख रही थी ना। अगर तुम्हें इतनी परवाह ना बात, तो वापस और सब कुछ खुद संभालो। मुझसे नहीं होगा बिल्स देना, आंटी को संभालना। आंटी को अस्पताल लेकर गई थी, पीछे से एहसन गिर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पागलों की तरह मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, जान अटकी हुई थी मेरी। तो किसने तुम्हें कहा है वहां बैठ के परेशान होने को? वापस और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। मुझसे अब ये सब नहीं होगा, सारा बोझ मेरे कंधों पे है। ओके, फेयर इनफ एमन, फेयर इनफ। तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया कि तुमने हॉस्पिटल लेके गई थी। मैं रोहेल से कह दूंगा आज के बाद मेरी अम्मी का ख्याल करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है? रखती हूँ ख्याल, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसका खराब है, मेरा भी खराब कर दिया। एमन कहीं जा रही हो? जी आंटी, वो इसकी फॉलो अप अपॉइंटमेंट है ना, बस उसी के लिए जा रही हूँ हॉस्पिटल। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वो अच्छा, क्या हुआ आंटी? कोई काम था आपको? ये वो प्रॉपर्टी टैक्स भरवाना था। अगर तुम रास्ते में, तो आप रोहिल भाई को कहते ना, वो जमा करवा देंगे। वो तो एक हफ्ते के लिए कागान गए घूमने हैं। ठीक है, मुझे मैं करवा देती हूँ। नहीं, मैं कर लो आंटी, मैं करवा दूंगी, आप दे दें। अच्छा चलो, वापसी। क्या हो गया मामा, इतनी देर लगा दी? अरे या अल्लाह, इसे ये क्या हो गया? चोट लगी। चोट कैसे लगी है? गिर गया था। कैसे गिर गया था? तुम कहाँ थी? इसकी दादी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं आई, बच्चे गिरते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं, ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। मुझे याद है जैद भी ऐसे ही गिर गया था। मामा, जैद भी इसलिए गिर गया था इनके बाबा उसके पास नहीं थे, और एहसन भी इसीलिए गिरे इनके बाद उसके पास नहीं। मुझसे नहीं होगा अभी ये सब। सब जिम्मेदारियां मुझ पे छोड़ के चला गया। सब जिम्मेदारियां भी मैं देखूं, घर के भी काम करूं, उसकी माँ का भी ख्याल रखूं, मुझसे नहीं होगा मामा। एमन, क्या हो गया तुम्हें? छोटी सी चोट है। ये छोटी सी चोट नहीं है मामा, ये मेरे बचपन के जख्म है। मुझे क्यों लग रहा है वक्त खुद को फिर दोहरा रहा है? मुझे सुबैदा नहीं बनना, मैं आपकी तरह अजमत की देवी नहीं हूँ, जो शोहर की जुदाई भी बर्दाश्त करे और ससुराल वालों की खिदमतें भी करे। मुझसे ये नहीं होगा। लो पानी पियो और गुस्से को ठंडा करो। मुझे नहीं पानी पीना, मुझे कुछ नहीं पीना। देखो, अपनों की खिदमत करने से, ख्याल रखने से कोई छोटा नहीं होता। आपको क्या मिला अपनों की खिदमत और ख्याल करके? दिल का सुकून, और तुम जैसे प्यारे और सादतमंद बच्चे। नेकी कभी जाया नहीं जाती है मैं दुनिया में नहीं, लेकिन आखिरत में इसका सिला जरूर मिलता है। प्लीज मामा, हर कोई आपकी तरह फरिश्ता सीरत नहीं होता, और मैं तो स्पेशली बनना भी नहीं चाहती। आंटी को अच्छी तरह पता था कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि बात परदेश जाके सेटल हो जाए,
पर उन्होंने ख्याल तक नहीं किया, सिर्फ अपनी और अपने बेटे की सोची, मेरी नहीं। हेमन, माएं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती। तुम भी इसलिए इतनी तल्ख हो रही हो कि तुम्हारे बच्चे को चोट लगी है। इसका जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारे दिल में है उसको भरने की सोचो बेटा। चलो भाई, तुम मजे से सो रहे हैं, ये लो। तुम्हारे वीजे का क्या हुआ है? तो चेक्ड हो गया मामा, और पता नहीं अब अप्लाई करने में कितनी देर लगेगी। इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी ना। मुबशर भाई जैद और हुरमत की बात पक्की करने का कह रहे हैं, और सोचो अगर तुम चली जाती तो इकलौते भाई की शादी की तैयारी कौन करता? जैद की बात पक्की और शादी, वो तो अभी दोनों पढ़ रहे हैं ना। हाँ, उनको थोड़ी सी जल्दी है, और फिर नबीला पप्पा और सलमान वगैरह भी दुबई से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यही टाइम सही है। खाना क्यों नहीं खा रही? छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो ईमन, खाना खाओ और खुश रहो। कोशिश करती हूँ मामा खुश रहने की, मगर अकेले खुश नहीं रह जाता। बस मैंने सोच लिया मामा, अगर मैं इबाद के पास नहीं जा सकती तो इबाद को यहाँ आना होगा, वो यहाँ आके जॉब कर ले, और मैं भी तो जॉब करूंगी ना, हम दोनों मिलके अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। हेलो, कैसी हो एहसन? कैसा? मैं ठीक हूँ, एहसन भी बेहतर है, सो रहा है। अच्छा, मूड बेहतर है अब तुम्हारा? तुम जानते हो ना मेरा मूड तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे। एहमन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, अब देखो तुम्हारा वीजा मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना। अगर मैं वहाँ नहीं आ सकती तो तुम यहाँ आ जाओ। मैं तो तभी आऊंगा ना एमन जब छुट्टी मिलेगी मुझे। अच्छा खैर, क्या किया सारा दिन आज तुमने? कुछ नहीं, बस मामा की तरफ गई थी। वो सेहत की बात पक्की हो गई है, लेकिन शादी पढ़ाई के बाद होगी। अरे वाह जबरदस्त, जैद तो बहुत खुश होगा। हाँ बहुत खुश था। तुम भी खुश हो ना? अम्मी की तबीयत ठीक रहती है ना? हाँ ठीक है आंटी, ठीक तबीयत है। और आई एम सॉरी, उस दिन पता नहीं मैंने क्या उल्टा सीधा ऑल फॉल पक दिया। नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जो मर्जी कह दो, मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती हो तुम। अच्छा, इतनी खुशफहमियाँ ना पालो तुम, किस दिन हो गई ना खफा तो पता चल जाएगा तुम्हें। काफी तरीके आते हैं मुझे मनाने के, तुम उसकी फिक्र ना करो। अच्छा ये बताओ एहसन कहाँ पर है? काफी दिल उदास हुआ हुआ मेरा उससे, दिखा दो। अच्छा वैसे वो सो रहा है, लेकिन मैं भी फेस टाइम करती हूँ। जॉब? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? अल्लाह के दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। जी आंटी, सब कुछ तो है मेरे पास। पता नहीं कैसा, उसको तो शायद याद भी नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा भी। Thank you.
भी आती हूँ ओके अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है ना रुहेल बता रहा था तुम्हारे वीजे का फिर से प्रॉब्लम हो गया जी वो चलो कोई बात नहीं कभी एम्बेसी की पॉलिसीज ऐसी हो जाती हैं और कभी किस्मत सुनो तुम एक काम क्यों नहीं करती तुम जॉब कर लो ना तुम्हारी जो है इतनी अच्छी डिग्री है उसको वेस्ट मत करो और फिर ये भी स्कूल जाने लगेगा एक डेढ़ साल में हाँ लेकिन हर वक्त घर में बैठे बोर नहीं हो जाती हूँ नहीं बोर तो हो जाती हूँ लेकिन आई थिंक आप ठीक कह रही हैं मुझे अब जॉब कर लेनी चाहिए हाँ जरूर सोचना और अगर कोई लिंक्स चाहिए हो तो मुझे बताना मैं हेल्प कर दूंगी थैंक यू ये बात क्या सर जॉब सही है उसकी ठीक है अब जॉब भी ठीक है चलो मैं अब चलती हूँ इसको लेके जाती हूँ रुहेल से मिलाने अपने ताया से ठीक है ओके ठीक कह रही हैं ऋचा भाभी मुझे जॉब कर लेनी चाहिए अगर ये बात वापस आ गया तो हम दोनों यहाँ मिलके भी तो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं ना ये बात से बात करती हूँ मैं बल्कि अभी कॉल करती हूँ आज तो मेरे पास आ गई क्यूटी आज जो चाचू से खेलेंगे हाँ चाचू से खेलोगे आज जो तो चाचू से बोलती हूँ वो ये ये कितना बड़ा हो गया ना रुहेल इवन मुझे बहुत डिप्रेस लग रही थी बहुत अकेली हो गई है वो आई थिंक बैड फॉर हर हाँ मैंने भी नोट किया है वो है ना इमान और एहसन को बहुत जरूरत है बात की तुम आंटी से बात करो उनको समझाओ कि वो इबाद को वापस बुला ले हेमंत के साथ ठीक नहीं हो रहा यार क्या हो गया तुम मैं कैसे समझा सकता कैसे समझा सकता मैं जी नहीं समझा सकता तुम इबाद के बड़े भाई हो सौतेली से ही भाई तो हो ना तुम उनसे बात करो कि उसको वापस बुला ले वरना फिर मैं बात करूंगी उनसे हेमंत ने शादी इससे थोड़ी की थी कुछ और दूसरे मुल्क जाके बैठ जाए और वो यहाँ पे अकेली जिंदगी गुजारे इस इंतजार में कि वो उसको अपने पास बुलाएगा देखो ये बात अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है उसे बुलाने की प्रोसेस में टाइम तो लगता है ना यार बुला तो नहीं पाया ना कितना अरसा गुजर गया बेचारा बच्चा बिन बाप के पल रहा है ना बेबी बस तुम उनसे बात करो कि बात को वापस बुला लें अच्छा चलो मैं करता हूँ मुझे हेमंत जॉब करने की क्या जरूरत है मैं कर रहा हूँ ना और वैसे भी जब तुम्हारा वीजा लग जाएगा तो फिर तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी ना इतने अरसे से तो वीजा आया है जब वीजा आएगा तब मैं छोड़ दूंगी रिजाइन कर दूंगी एहसन का क्या होगा क्या होगा एहसन का आंटी घर पे होती है नासरा होती है वो देख लेंगी उसे हेमंत क्या हो गया तुम्हें उसकी माँ तो घर पे नहीं होगी ना बच्चे को सिर्फ माँ की नहीं बाप की भी जरूरत होती है इसके बारे में सोचा कभी तुमने मैं तो फिर भी शाम को घर आ जाया करूंगी तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता है वो तुम्हें तस्वीरों से पहचानते हैं उसने कभी देखा नहीं तुम्हें महसूस नहीं किया बाप की जरूरत क्या होती है जानती हूँ मैं तुम्हें पता है ज्यादा इसीलिए बिगड़ गया था कि बाबा उसके पास नहीं थे लड़कों को तो बाप की ज्यादा जरूरत होती है बेटे की तरबियत जो
बाप कर सकता है ना, माँ अकेली नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम जॉब, एसन और घर को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, कर लो तुम जॉब। अम्मी से बात कर लिए? मैंने नहीं बात की, आंटी से तुम खुद कर लो। गलत बात है, माँ है वो मेरी, घर की बड़ी है, तुम्हें खुद बात करनी चाहिए उनसे। हसन कहाँ पर है? वो रजा भाभी और रुहेल भाई के पास गए। वैसे इन दोनों को भी अब अपनी फैमिली प्लान कर ही लेनी चाहिए। तो उनका मसला है, कौन क्या करता है हमें इससे क्या? हेमन, थोड़ी सी तैयारी हो जाया कर। देखो तुमने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ। तैयार होकर क्या करूं? आंटी और नासा के पास जाके बैठा करूं? जॉब करूंगी तो खुद तैयार होने का दिल चाहेगा। अच्छा भाई, मुझसे बात करती हो कि नहीं करती हो? मेरे लिए तैयार हो जाया करो। तो तुम बड़ा जैसे सूट पहन के बालों में जेल लगा के मुझसे बात करते हो, यू पीजेस में बैठ के तो बात कर रहे होते हो मुझसे। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम मैं जब तुमसे बात करूंगा ना तो मैं टक्सीडो पहनूंगा। हैप्पी। नासा, ये टेबल कितनी गंदी लग रही है, देखो ना इसको साफ तो ठीक से करो तुम। जी नासा। जी एहसन के पास जाकर बैठो, वो सो रहे हैं। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जा रही हो बेटा? वो मेरी जॉब का इंटरव्यू है आज। जॉब? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, अल्लाह के दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। जी आंटी सब कुछ तो है मेरे पास। ये बात से बात की, इजाजत ली उसकी? जी बात हो गई थी। कमाल है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं समझी किसी ने। और एहसन का क्या होगा? क्या होगा, आप हैं, नासरा है, और अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे बता दें, मैं मामा के यहाँ ड्रॉप कर दूंगी उसे। इस सब ख्वारी का मकसद क्या है? ख्वारी का ये मकसद है कि मैं अपने आप को मसरूफ करना चाहती हूँ, अपना सारा दिन फेसबुक और टीवी पर बैठ के वेस्ट नहीं करना चाहती। एहसन है ना तुम्हारे पास, माँ के लिए बच्चे से बढ़ के और कोई काम नहीं होता, और माँ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आंटी बच्चे को तो बाप की भी जरूरत होती है, अपने बेटे से कहें वापस आए और अपने फर्ज पूरे करें। बाप तो चला गया कमाने और अपने माँ के ख्वाब पूरे करने, और मुझे अकेला छोड़ गया, अब मैं क्या करूं? एहसन को अकेले पालूं, उसको पढ़ाऊं, उसका ख्याल रखूं, और जब ये बात वापस आ जाए तो मेरी सालों की मेहनत पे तारीफ के दो बोल बोल दे। वाह। खैर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। वालेकुम सलाम। आज दफ्तर जाने में देर होगी तुम्हें? जी बस वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात है। कहो। बैठ। क्या क्या बात है छोटी अम्मी? आपने सारी जिंदगी हमारी बदतमीजी तल्ख कलामी को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी आपने फैमिली को साथ रखा, जोड़ के रखा, जो भी मुश्किल वक्त थे आपने सबको समेट के रखा, अलग नहीं हुआ। तो फिर बात की फैमिली को आप कैसे तोड़ सकते? क्या कहना चाह रहे हो छोटी अम्मी? एमन और एहसन को बात की जरूरत है, मुझे लगता है कि एमन खुश नहीं है बात के बगैर। बात ना अपने बच्चे की किसी खुशी में है, वो भी मुझे लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ, भी तो वहाँ पे तन्हाई है। नहीं वो यहाँ पे होगा सबके साथ तो एमन भी खुश होगी, पे भी
मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आपको उसको वापस बुला देना चाहिए। छोटी अम्मी, इस बारे में प्लीज सोचिएगा सर। सबको देख के आती हूँ। जी अम्मी, मेरी बात हुई है उससे, वो जो करना चाहती है ना उसे करने दें। बेटा, उसे लगता है कि तुम दोनों में जो दूरी है ना वो मेरी वजह से है। जल्द से जल्द उसका वीजा करके ना उसे बुलवा लो अपने पास। अम्मी, अब मैं कर तो रहा हूँ, अब अगर नहीं मिल रहा वीजा तो मैं क्या करूँ? कंपनी थोड़े क्राइसिस में है और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, फॉरन वीजा शायद ना मिल सके। अब फिर अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप भी एमन के साथ आए। अब जाहिर है ये सारी चीजें थोड़ा वक्त तो लेंगी ना, और इसीलिए मैंने उसे जॉब करने की इजाजत भी दी है ताकि वो मसरूफ होगी तो उसकी तलखी और चिड़चिड़ापन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो मर्जी करो, हमेशा अपनी मनमानी की है तुमने। हमें आपकी मानी है तो यहाँ बैठा हुआ ना अकेला मैं। तुम भी अब इल्जाम लगाओगे मुझ पर? मैंने जो सोचा जो किया तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की बेहतरी की खातिर किया ना। अम्मी, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मजाक कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग क्या हाल? आई, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। आसम, चले चलते हैं। हाँ तो मुझे टैक्सी के दूर दूर असरात नजर नहीं आ रहे, आपकी तबीयत। लेकिन हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? आप लोग इस जगह पे यहाँ? अरे हाँ, बस हल्की सी चेस्ट इन्फेक्शन हुई है। अच्छा ठीक है, छू रहे हैं। असल में डॉक्टर यहाँ बैठता है ना, बहुत बड़ा और काबिल डॉक्टर है, इसलिए हम यहाँ हैं, वरना नौमी तो कह रहा। अच्छा ठीक है, आप आए बैठे। प्लीज मैं आप लोगों को छोड़ देती हूँ। प्लीज अच्छी आ जाए, प्लीज आ जाए। आज अंदर आए। इमन, मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी, लेकिन फिर आसिम की कुछ तबीयत खराब हो गई। अच्छा तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कोई बात नहीं चाची, अच्छा आप बैठे रहने दें। तुम बैठो तो सही। अरे बात कैसे? अब ठीक है। और हमारा नवासा? वो भी ठीक है, ऐसा नाम रखा है हमने उसका। बहुत अच्छा नाम। अल्लाह तुम्हें तुम्हें बेटे की खुशियां नसीब करे।
और उसका दिल भी बिल्कुल अहसन भाई की तरह ही। आमीन। नोमी कैसे? नोमी? पता नहीं कैसे, उसको तो शायद याद भी नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा भी हैं। परदेश निकल गया उसे। हर कोई ऐसे भाई जैसा थोड़ी ना होता। जो अपने आप को मार ले अपने प्यारों की खातिर। मैंने उनके प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठा। भूल गया था कि जो बो रहा हूं वही काटना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत ज्यादती की है ना। हो सके तो मुझे माफ कर दे। चाचू प्लीज, चाचू ऐसा मत कहें। रोहन पता नहीं कैसे परदेश निकल गया उसे। हर कोई ऐसे भाई जैसा थोड़ी ना होता। जो अपने आप को मार ले अपने प्यारों की खातिर। मैंने उनके प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठा। भूल गया था कि जो बो रहा हूं वही काटना पड़ेगा। अरे तुम कब आई? बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम इतना उदास क्यों हो? सब ठीक है। मामा आप ठीक कहती थी, माफ कर देना और सिला रहमी करना बहुत बड़ी नेकी है, और आज मैं माफ करके आई हूँ, सिला रहमी करके आई हूँ, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसे जैसे नफरत की आग मेरे अंदर से बुझ सी गई है।